अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार व डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल होने वाली चुनावी मतगणना को लेकर व्यवस्थाओं के बारे में अपर मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने दी जानकारी। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य और 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उस मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संभावित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं। माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उनके कुछ संगत अंश आपसे शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।